এখান থেকে ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টি আপনার 6 মাসে দিয়ে দেবো। ছ মাসে ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি যে কোনো গাড়ি নিলে। হাম কাস্টমার কো কেসে খুশ কর পায়েঙ্গে, হমকো সস্তা মিলতা হম সস্তা দেতে হ্যাঁ, হমকো ওভার মানি হমকো জাদা নহি হোতা হ্যাঁ। বাইক বাজার কে সাথ হম জুড় গয়ে হ্যাঁ, এক কম্পানি হ্যায় বাইক বাজার, উসকে সাথ আচ্ছা আচ্ছা কাস্টমার কো ফেসিলিটি মিল রহা হ্যায়। শুরু করে বাবু, ये 2011 का 220 है, गाड़ी एकदम फ्रेश गाड़ी है, देख लो एकदम 32,000 में हो जाएगा। अच्छा, ओनली 32,000 220 मतलब मार्केट में तो ये प्राइस में तो कुछ मिलता ही नहीं है। अरे कुछ क्या नहीं मिलता है, इस गाड़ी का दाम 32,000 220 नहीं मिलता है। आप बोलिए, बढ़िया गाड़ी है, फ्रेश गाड़ी, दिखाओ एक बार गाड़ी को एक बार। 32,000 में मेन बात ये क्या बोलिए तुम, 32,000 में आजकल ना मतलब बाइक का नॉर्मल देख लीजिए, ठीक से दिखाइए अच्छे से, मतलब हाँ। बाइक का कंडीशन भी बहुत अच्छा है। 32,000 में मिल जाएगा ये हॉर्नेट, एक बार दिखा दीजिए, 17 का है ये, 50 तक हो जाएगा, ये भी 50 तक हो जाएगा। हाँ, ये 50 के बारे में मतलब पेपर पेपर्स के लिए नहीं सोचना है, पेपर मेरे यहाँ हर समय कंप्लीट रहता है, हर समय कंप्लीट, पेपर का हम कभी झोल में नहीं होना चाहिए, पेपर हमेशा ठीक रहना है। ये आपका है किलोमीटर बाबू, हम नहीं देखते हैं कोई गाड़ी है, गाड़ी अच्छा रहता है, कुछ काम रहा तक करके रखते हैं, कंडीशन के ऊपर गाड़ी सब, अगर काम भी हो तो रेडी करके ही रखते हैं हम। ये आपका 16 का या 17 का गाड़ी होगा, 17 का है ये, आपको 58 तक दे देंगे इसको हम, 58 एक गाड़ी है आपका 13 या 14 का होगा, 13-14 का हाँ, ये 36,000 में मिल जाएगा, हाँ 36,000 में मिल जाएगा। तो सब ज़्यादातर गाड़ी का ऐसे ही रेंज होने वाला है, बहुत कम कम। हाँ हाँ ठीक है, ये पे प्लस, ये 20,000 का है, ये 20,000 का, हाँ 20,000 का पे प्लस मतलब है, लोग सीखना चाहता है या भी कुछ भी, ये एकदम एकदम एकदम। ये पल्सर 150 25,000 का है, 11 मॉडल है ये, ये 25,000 का, मतलब आपको सर्विस भी क्या, सब 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 हर चीज़ मेरे पास, वर्कशॉप में 5-5 मिस्त्री काम करते हैं। ये डोमिनर ABS का है, 2018 का मॉडल ABS। दुकान के बारे में क्वेश्चन था, आप तो पहले ही दानिश होया कर रहा, अभी बाइक बाजार हो गया। देखिए दानिश अभी जो भी यहाँ का परिचालना जो भी कुछ करता है दानिश ऑटो ही करते हैं, बाइक बाजार के साथ हम जुड़ गए हैं, एक कंपनी है बाइक बाजार, उसके साथ अच्छा अच्छा कस्टमर को फैसिलिटी मिल रहा है, तो बाइक बाजार होने से अच्छा फैसिलिटी अच्छा हुआ है, इसीलिए अपग्रेड हो गया है। जी जी, ये डोमिनर 400cc का है, 2018 गाड़ी है, ABS के साथ गाड़ी बहुत ही अच्छा है, ये आपका 1,00,000 दाम है इसका, 1,00,000 1,00,000 नया का कीमत कितना होगा? नया का तो 2,00,000 का ऊपर ही है दाम, 2,00,000 का ऊपर। ये आपका 17 का है, ABS नहीं है, ये भी ABS है, ABS ही भी है। अच्छा, ये आपका 95 में हाँ डोमिनर। ये फोर्ड भी अपाची 19 का है, ये आपको 65 में मिल जाएगा, 65। हम कस्टमर को कैसे खुश कर पाएंगे, हमको सस्ता मिलता हम सस्ता देते हैं, हमको ओवर मनी हमको ज़्यादा नहीं होता है, कुछ हाथ खर्चा निकल गया यहाँ, लड़का लोग का लेबर करके पेमेंट निकल गया। हम मार्केट में बिजनेस को रनिंग रखना है, कस्टमर को खुश रखना है, मेरा लड़का लोग का लेबर का पेमेंट निकल गया, मेरा हाथ खर्चा निकल गया, उसमें ही खुश है। जो फेजर है, वो फेजर, फेजर 2012 का है, ये 34-35 तक मिल जाएगा, वो 34-35 उसके बगल में एक RTR है 13 का होगा, वो गाड़ी आपको वही 36-37 के अंदर मिल जाएगा। हाँ, एक और V3 दिखा दो, वहाँ से ही दिखा दो, आप अकेले हो, आपको कहाँ अंदर ढुकाएं, वो भी गाड़ी बहुत ही अच्छा गाड़ी है, 19 का गाड़ी है, 75 में मिल जाएगा, और उसका बगल में जो है ना वो 19 का, वो भी है 65, वो भी 65 और 65 का है, ज़्यादा प्राइस में नहीं है। नहीं, यहाँ से दिखा दो सामने से। अच्छा, ये आपका 17 का होगा, 16 या 17 का हो, 16 का ही होगा शायद, 18 भी तो 16 का ही होगा, ये आपको 33 में मिल जाएगा, 33 हाँ, एविएटर, होंडा एविएटर 33,000 में मिल जाएगा आप लोगों को, एक FZ, ये फिर ये है FZS 2017 का ही होगा, 46 में मिल जाएगा। अच्छा, कोई गाड़ी आपसे एक्सचेंज करिए, फैसिलिटी है क्या? हाँ हाँ, अगर गाड़ी अच्छा रहा तो लेने लायक रहा, कागज उनके नाम से है तो हम ले लेंगे, अगर वो पुराना गाड़ी कहीं से खरीदे हैं वो लेके आए तो ऐसा गाड़ी हम नहीं लेते हैं, उनके नाम से है तो हम ले लेंगे, उसका
क्या नाम से है, और कोई गाड़ी लिया आपसे, मतलब एक्सेल नहीं किया, आपको बेचना चाहा वो भी फिर? हाँ हाँ, वो सब सब। कितना परसेंट क्या ले? ये परसेंट के ऊपर नहीं है, कितना दिन पहले ले किया गया है, गाड़ी का कंडीशन कैसे रखा है। बहुत ऐसा हुआ है कि जो गाड़ी कभी बहुत पहले बहुत बहुत कम में भी हम बेचे हैं, तो उसको जो दाम में खरीदा उतना दाम भी मिल जाता है। अच्छा, ये इसके में कमी नहीं। ये आपका 17 का है, 16 या 17, इसका 46 दाम होने वाला है। 46 एवेंजर 150। माइलेज ये सब गाड़ी का कितना क्या माइलेज होता है? इसका 45 मान के चलो, 50 के अंदर ही रहेगा। हंक 8 का है, 22,000 दाम है उसका। 22,000? हाँ, 22,000 दाम है। अचीवर है बगल में, अचीवर 2018 का है। इसका प्राइस कितना बोले? ये 45 है। होंडा साइन 19 का है ये। हाँ, इसका प्राइस कितना क्या है? इसका 58। एक और शाइन है, ये भी 17 का है, दिखा दो। गाड़ी फ्रेश गाड़ी है, ग्रे कलर का गाड़ी है, 45 में मिल जाएगा। 45? हाँ। और ये सब गाड़ी का डाउन मतलब ईएमआई होगा क्या? हाँ, हो जाएगा आराम से। 15 का ऊपर होने से ईएमआई हो जाएगा, 2015 साल का गाड़ी ऊपर होना चाहिए। एक और शाइन है, ये 17 का लास्ट का होगा, इसका 50,000 दाम है। 50,000? हाँ। ये 150 पल्सर 18 का है, 18 का ही है, 45। इसका ऊपर तो मतलब ईएमआई भी हो जाएगा। हाँ। एक और अपाची है, 37 13 का है, 37 मतलब ऐसा ही कंडीशन में आप लिए थे क्या? बहुत नया लग रहा है। वैसा ही लिए हुआ है, उतना याद नहीं है। ये अपाची 17 का होगा या 16 का होगा, 16 का है। 16 का। ये आपको 47 इसका भी 47 47 एक स्कूटी मेस्ट्रो 17 का है, 38 में मिल जाएगा ये। मतलब स्कूटी जितना हाईएस्ट मतलब 30, 35, 38 ऐसे ही प्राइस है। अभी तो स्कूटी का नाम बहुत हाई। ये हॉर्नेट 17 का होगा, 18 क्यूब, ये 40,000 में मिल जाएगा आपको। ये 40,000? 40,000। एक और अपाची वहाँ पे है, लाल वाला दिखाइए, 17 का है, 56 एक यहाँ पे है, 14 का गाड़ी है ये, 40,000 में हो जाएगा। इसका प्राइस कितना है? 40,000 एक वहाँ पे दिखाइए, SZR 25,000 का है, 12 का गाड़ी है। 25,000 में बहुत अच्छा कंडीशन है। अभी ये सर लोग आए हुए हैं, थोड़ा इन लोग को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। सर को क्या गाड़ी चाहिए? किनवेन कौन गाड़ी बोलूँ? ग्रे कलर साइन था तो হ্যাঁ, তো এখন আপনি ওই সাইনটা তো ওটা আপনি 45,000 টাকা লাগবে, যে ওই গ্রেটা দিয়া তুমি কি বার্গেনিং করে হ্যাঁ হয়ে যাবে। আর আমি তো এটা দেখাতে বলেছিলাম, ঠিক আছে। এই বুলেট এটা হচ্ছে তোমার 14 গাড়ি, 77 ঠান্ডা বাট দেখে না, গাড়িটা খুবই ভালো গাড়ি আছে। এই গাড়িটা তোমার হচ্ছে 10 মাসের গাড়ি হবে এটা। 10 মাসে হ্যাঁ, 3,000 না কত চলেছে? এই গাড়ি এটা 70,000 দাম আছে। হুম হুম, এখান থেকে ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টি আপনার 6 মাসে দিয়ে দেবো। 6 মাসে ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি যে কোনো গাড়ি নিলে। এটা 75 13 সালে, এটা 77 2014 সালে, 2014 অ্যালাই হুইলে লাগানো আছে। অ্যালাই হুইল আর বাকি জিতা গাড়ি কা সব মতলব টায়ার ওয়্যার সব আচ্ছা কন্ডিশন মে আপকে মিল যায়েগা? জো হ্যায় গাড়ি কা সাথ হি রাতা হ্যায়। বেলেনি পুরো রেসিং বাইক কে জেসা লাগ রাহা হ্যায়। এই বেলেনি 300 300 ওয়াও আচ্ছা। 125,000 300 साल का गाड़ी है ये? 16 का होगा, 2016 ये हक्स भरना 7 महीना गाड़ी है। 7 महीना हाँ, 1,75,000
कितना बोले? 1,75,000। ये हो गया आपका V3 19 का है, 90,000 में मिल जाएगा ये। 90,000। ये आपका V3 एक है, 1,00,000। 1,00,000। 1,00,000। कौन साल का? 19 का है। ये भी 19 का? हाँ, ये 19 का 220। 70,000। 70,000। साइन गाड़ी आपका न्यू मॉडल साइन, एक साल का ही गाड़ी है। मतलब ये BS6 का? BS6 70,000। 70,000। ये भी BS6 है, एक साल का अंदर का ही है। 68 एटाउ 68 एक बच्चे बहुत दे। एक साल का हाँ, एटाउ 68 मतलब लाइन से 68 आ रहा है। तीन चार गाड़ी जो है 68 का है, उधर में वो पल्सर भी आपका एक साल का अंदर का ही होगा, 11 महीने का, हाँ वो भी 70,000 का है। वो 70,000। ये 50,000 का है, ये 18 का है। 18 का है, 2018। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ है, ये 20 का है, 60 में दे देंगे। 60 में देंगे, 60,000। चलिए वहाँ पे एक MTA दिखाते हैं। देखो एक तो ये MT50 2020 का है, 2020 का गाड़ी एकदम वेल कंडीशन है। ये 1,15,000 तक मिलेगा। 1,15,000 2020 का MT। आपका इधर मतलब EMI जब होता है कितना परसेंट आपको देना पड़ता है डाउन पेमेंट? 50% 50% जो गाड़ी का दाम होगा उसका आधा पेमेंट करना पड़ेगा। और कोई अलग स्टेट से कोई गाड़ी लिया तो फैसिलिटी है क्या? नहीं, हम बाहर कोई भी स्टेट में गाड़ी नहीं देते हैं। बाहर स्टेट में नहीं देते? उनको देखिए, उनको गाड़ी ले जा करके कोई भी आदमी अगर बाहर स्टेट से आते हैं तो उनको कागज़ में जो खर्चा हो जाएगा उससे कम में खर्चा में वहाँ से वो गाड़ी खरीद सकते हैं। उनको उनके लिए मैं हम दे सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो NOC निकाल के दे देंगे, लेकिन NOC ले जा करके वो नाम चेंज कर पाएंगे कि नहीं ये हम सिक्योरिटी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम बंगाल से बाहर कहीं गाड़ी नहीं देते हैं। बंगाल के अंदर में कोई भी आदमी आवे हम गाड़ी दे देंगे, बंगाल के बाहर हम गाड़ी नहीं देंगे। इसलिए कि बंगाल के अंदर में रहेंगे, यहाँ से हम नाम चेंज करके ही उनको हम हवाले करेंगे। और अदर स्टेट से आने से हम नाम चेंज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है।